मान्यताओं के अनुसार लोगों के चरण का अंतिम दौर अर्थात कलयुग चल रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान में लोग विभिन्न प्रकार की महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, उसे लेकर बहुत से लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि अब कलयुग का अंत काफी निकट आ चुका है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो यह समझते हैं कि कलयुग को समाप्त होने में अभी काफी साल बाकी हैं। परंतु कलयुग के अंत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, जब पृथ्वी पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगेंगे और मनुष्य के शरीर और मन में कैसे बदलाव नजर आने लगेंगे, जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं अंत काफी निकट है। तो चलिए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं बदलाव की भविष्यवाणी पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। पुराणों और वेदों के अनुसार पितरों का एक दिन और रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है। वही देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसी प्रकार से देवताओं को एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इसके बाद ही कलयुग का अंत होगा और सत्ययुग का आरंभ होगा। कलयुग में मनुष्य की उम्र कम रहेगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई भी कम होती जाएगी और जैसे जैसे कलयुग का अंत आने लगेगा, मनुष्य जाति का पतन शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे, मनुष्य एक दूसरे की हत्या करेगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र 13 साल की ही रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा, केवल धनवान लोगों के पास ही ताकत होगी। लोग खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा ले तो समझ जाना कि कलयुग का अंत निकट है। घर घर में कलह शुरू हो जाएगा। लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, अपने ही घरों में अपनों को ही मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। हर जगह पर झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में नारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने घरों में ही शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। रिश्तों की मर्यादा समाप्त होने लगेंगी। कलयुग में शादीशुदा बनकर धोखेबाजी ही रह जाएगी। ना पति पत्नी की शादी जैसा पवित्र रिश्ता पवित्र हो जाएगा कि शादीशुदा जिंदगी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। लोगों की उम्र लंबी होती थी, पर किसी भी व्यक्ति की उम्र कलयुग में लंबी उम्र नहीं होगी। बेईमानी का राज होगा और लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा और कोई किसी का हक छीनेगा। बस अपने ही अपनों के साथ गद्दारी करेंगे। कन्या अल्पायु में ही बच्चों को जन्म देंगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब 7 वर्ष की आयु में कन्या माँ बनेंगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग है और बस कुछ ही समय में इसका अंत भी होने वाला है। दे शमे चारों ओर अकाल और भुखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरेंगे। पुराणों में भगवान कल्कि अवतार का जिक्र भी मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पापियों के बोझ तले दब जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरा को पापियों से मुक्त करेंगे और इसके बाद शुरुआत होगी सतयुग की। तो दोस्तों, इन लक्षणों को देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं यह कलयुग का अंत होगा या अभी इसमें समय बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी।
आप अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इस जानकारी को आप अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।